بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات وقتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صدق الله العلي العظيم। हमारी गुफ्तगू का असल मौजू है और ये पूरा एक सिलसिला चल रहा है शहादत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, और इस ज़मन में हमने मुख्तलिफ मौजूआत को डिस्कस किया और सबसे ज़्यादा हमने वाक़े अकबा को तफसील से डिस्कस किया। आज हमारी गुफ्तगू का उनवान है हदीस लदूद। अब ये बताते चलें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन से लोगों ने कत्ल करना चाहा, और आलम यह है कि ख़ुद आलम इस्लाम में ही दाखिल मुनाफिकीन ने भी आपको कई दफ़ा कत्ल करना चाहा, जिनमें से एक वाकया वाकया अकबा बहुत ज़्यादा मशहूर है और हमने तफसील से उसको डिस्कस किया, और कुतुब अहले सुन्नत में हत्ता जिन अफराद के नाम भी आए उन्हें भी हमने डिस्कस किया। अब मामला यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर तो दिया गया, शिया और सुन्नी दोनों में साबित है। अब यह जहर उसी हफ्ते किसी ने दिया और ये कई लोगों ने दिया, या कुछ खवातीन ने दिया और कुछ मर्दों ने दिया, ये अलग अलग मौजूआत हैं, इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन असल मौजू यह है कि जहर तो दिया गया। अब यहाँ पर एक मौजू की जानिब तवज्जो दिलाएं कि बाज़ दफ़ा किसी एक मौजू में जब तआरुज होता है तो अहदीस में आमतौर पर कहा जाता है कि ये सही नहीं है क्योंकि सारी खबरें आपस में टकरा रही हैं, लेकिन यह ऐसा मौजू है कि यहाँ पर खबरों का टकराना शहादत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और ज़्यादा साबित कर देता है, क्योंकि ये जो टकराना है ये मुजरिमों के अकवाल बयान हो रहे हैं रिवायतों में कि कुछ लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर दिया और उसके बाद उन्होंने अपने इस जुर्म को छुपाने के लिए मुख्तलिफ तरीक़े से इस वाक़े को अलग अलग लोगों ने बयान किया और मुख्तलिफ नामों से बयान किया। लिहाजा यहाँ पर तारुज नज़र आएगा कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दवा पिलाई गई और दवा में शायद जहर था तो ये कहाँ पिलाई गई, एक मौजू, किन लोगों के मशवरे से पिलाई गई और किन लोगों ने पिलाया। अब ये कि पिलाने वालों ने किन का नाम लिया, और फिर ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब निस्बत देकर कुछ लोगों का नाम लिया। अब ये जो नाम लेने का सिलसिला है इससे पता चलता है कि असल मुजरिम अपने आप को छुपाना चाह रहे हैं और वो इधर से उधर लोगों की तवज्जो करना चाह रहे हैं। आम तौर पर जब हदीस से लदूद की बात होती है तो बुखारी की एक रिवायत को नकल कर दिया जाता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे और बाकी काम है हमारे बाकी नौजवान मुहक्किकीन का और उलमा का कि इस मौजू पर वो किताब भी लिख सकते हैं, लिहाजा काफ़ी मकदार में हम किताबों से अहदीस को बयान करेंगे, तारीख को बयान करेंगे कि जो बाद में बास काम करने वालों के लिए काम आसान हो जाएगा। अब हम यहाँ पर सबसे पहले बुखारी की हदीस को बयान करते हैं और ये देखते हैं कि इस रिवायत को उन्होंने कहाँ कहाँ नकल किया है और किस बाब में इनको नकल किया है और वो क्या समझे हैं इस रिवायत से। बाद में हम देखेंगे कि इस मौजू की और रिवायत कहाँ कहाँ पे नकल हुई और किस तरह से उलमा अहले सुन्नत ने उनको छुपाया या ज़ाया किया, अब कहीं कहीं उनके आसार बाकी रह गए हैं। सबसे पहले आपके सामने है सही बुखारी जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 57 और हदीस नंबर है 4457। इसे और एक आध और रिवायत को हम तफसील से पढ़ देंगे और बाद में सिर्फ हम तवज्जो दिलाएंगे कि किन लोगों ने ये दवा पिलाई और किन लोगों के मशवरे से पिलाई गई, किसके घर में पिलाई गई और बाद में किसकी जानिब इशारा किया गया, और साथ ही ये कि क्या अहम वाकया था और क्या अहम दिन था कि जिस दिन इस दवा को पिलाया गया। तो लदूद कहते हैं, ज़बरदस्ती किसी के मुंह में
एक दवा को या किसी चीज़ को दाखिल करना, जैसे कि हम बच्चों के मुंह में कोई दवा दाखिल करते हैं। इस रिवायत में जो सबसे अहम मौजू यह है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमा रहे थे। अब यह भी याद रहे कि इसी रिवायत और इसी मौजू के ज़मन में एक मौजू डिस्कस होगा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ लोगों ने गजबनाक किया, और इसी वाक़े के आसपास, क्योंकि इसके दिन अलग अलग बयान हुए हैं, आसपास रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिज़्ज़ियान की नस्बत दी गई, और इस जाली दास्तान में भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्कुल एक बच्चा सा जाहिर किया जा रहा है। और ये हम बताते चलें कि असल वाक़े को छुपाने के लिए, जिस तरह से मुजरिम अपने जुर्म को छुपाने के लिए इस पर उस पर डालते हैं, और जब वो इस पर उस पर डालते हैं तो वो बात सच नहीं होती, उनके बयान के जरिए से हम सच्चाई तक पहुंचते हैं। तो यहां पर भी असल मामला यह है कि इन अकवाल या रिवायात को हम नहीं मानेंगे सही कि ऐनन यही हुआ, बल्कि इन मौजूआत के जरिए से हम ये जानेंगे कि कोई शख्स या कोई फर्द, अब वो चाहे मर्द हो या औरत हो, या मर्द हो कुछ या औरतें हों, या मर्द और औरत मुश्तरक हों, कि जो आपको रिवायत से पता चलेगा कि उन लोगों ने ये काम किया और करने के बाद अपना जुर्म छुपाने के लिए, क्योंकि कुछ लोगों को पता भी चल गया था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह में कुछ दाखिल किया गया, तो उन्होंने फिर अलग अलग दास्तानें बनाई गई, जिनमें एक दास्तान ये थी कि नहीं, वो दवा तो सब हमने भी पी थी, ये जो कहा जा रहा है हमने भी पी थी और हमें भी पिलाई गई थी, तो वो मुराद ये है कि वो दवा खतरनाक नहीं थी क्योंकि हमने भी पी। अब यहां पर डिस्कस किया जाएगा वाकई पी या नहीं पी, लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन हो रही है कि वो एक तो वाज़े मना फरमा रहे हैं कि मैं कोई दवा नहीं पीऊंगा, और फिर फरमा रहे हैं कि सबके मुंह में डाली जाए। तो आखिर वक्त में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्री प्लान एक हिज़्ज़ियान वाली कैफियत में जाहिर किया गया है कुतुब अहले सुन्नत में, जबकि हम उनको मासूम मानते हैं हर एतबार से। तो सबसे पहले आपके सामने है सही बुखारी जिल्द नंबर 6 और सफा नंबर है 57 और हदीस नंबर है 4458। असल रिवायत क्या है कि आयशा रजी अल्लाह ने कहा, आ हजरत के मर्ज में हम आपके मुंह में दवा देने लगे तो आपने इशारे से दवा देने से मना किया। तो पहली बात यह है कि आपने मना किया। हमने समझा कि मरीज को दवा पीने से बाज औकात जो नागवारी होती है यह भी इसी का नतीजा है। यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी फिक्र नहीं थी, वो नहीं जानते थे कि जान का बचाना वाजिब है, और वो माज़ल्ला बच्चों की तरह से मना कर रहे थे। अब यहां पर जहन में रहे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमा रहे हैं, उसके बाद भी उनकी मुखालफत हो रही है। अजीब बात यह है कि यहां पर जबरदस्ती दवा मुंह में डाली जा रही है, या अल्फाज दीगर जहर डाला जा रहा है जबरदस्ती, और जब वो फरमा रहे हैं कि मुझे दे दो कलम और दवात, और वहां नहीं दिया जा रहा, यहां पर सब जमा हैं इस मुखालफत को करने के लिए, और वहां पर सब जमा हो गए उस मुखालफत को करने के लिए कि हम कलम और दवात नहीं देने देंगे। इंशाल्लाह वो भी बाद में बयान होगा, क्योंकि उसका ताल्लुक भी शहादत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, ये भी इसी का नतीजा है। इसलिए हमने इसरार किया तो आपने फरमाया कि घर में जितने आदमी हैं सबके मुंह में मेरे सामने दवा डाली जाए, सिर्फ अब्बास रजी अल्लाह इससे अलग हैं कि वो तुम्हारे साथ इस काम में शरीक नहीं थे। तो यहां पर यह रिवायत नकल हुई है गजबात के बयान में। अब क्यों गजबात के बयान में हुई? क्योंकि जब यह वाकया हुआ है तो उसी दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था कि सब के सब निकल जाओ मदीने से जनाब उसामा बिन जैद की कयादत में जंग के लिए। तो यहां पर पता चला कि यह वाकया किसी आम दिन में नहीं हुआ। इस वजह से साहिब सही बुखारी ने इसे गजबात में बयान किया है। अब आपके सामने है जिल्द नंबर 7 और फिर यही रिवायत बयान हुई। अब्दुल्ला ने बयान किया कि हजरत आयशा ने कहा, हमने आहजरत के मर्ज वफात में दवा आपके मुंह में डाली तो आपने हमें इशारा किया कि दवा मुंह में ना डालो। हमने ख्याल किया कि मरीज को दवा से जो नफरत होती है इसकी वजह से आहजरत मना फरमा रहे हैं। फिर जब आपको होश आया तो आपने फरमाया,
क्यों मैंने तुम्हें मना नहीं किया था कि दवा मेरे मुंह में ना डालो? हमने अर्ज किया, ये शायद आपने मरीज की दवा से तिब्बी नफरत की वजह से फरमाया होगा। इस पर हजरत ने फरमाया, अब घर में जितने लोग इस वक्त मौजूद हैं इन सब के मुंह में दवा डाली जाए और मैं देखता रहूंगा, अलबत्ता हजरत अब्बास को छोड़ दिया जाए क्योंकि वो मेरे मुंह में दवा डालते वक्त मौजूद ना थे, बाद में आ गए। तो ये जिल्द नंबर 7 और सफा नंबर 294 में है और हदीस नंबर है 5712। यहां पर इसे बाबे लदूद में नकल किया है, यानी मुंह में दवा डालने के बाब में। तो यह भी समझ में आ रहा है कि एक दफा गजवात के बाब में, क्योंकि ये गजवे उसामा बिन जैद के अय्याम में वाकया पेश आया, दोबारा इन्होंने इसको नकल किया बाबे लदूद में, यह भी बात समझ में आ गई। अब है जिल नंबर 8 और सफा नंबर 218 और इसकी जो हदीस है वो है 2886। अब यहां पर देखना है कि यहां पर किस बाब में इसको नकल किया है। बाब मर्दों और औरतों के दरमियान जख्मों में भी किसास लिया जाएगा। अब यहां पे बात समझ लें कि खुद साहिब किताब बुखारी इसको इस रिवायत से क्या नतीजा निकाल रहे हैं कि इसको किसास मिला रहे हैं, यानी सिंपल इसको दवा का मौजू नहीं समझ रहे हैं, इसको जान जाने का मौजू समझ रहे हैं। अब उसके बाद जिल नंबर 8 ही में दियत के बयान में इसको नकल कर रहे हैं और उनवान है, अगर कई आदमी एक शख्स को कत्ल कर दें तो क्या किसास में सबको कत्ल किया जाएगा या किसास लिया जाएगा? तो यहां पर बात समझ में आई कि ये जो हम कहते हैं कि इस वाक़े का ताल्लुक शहादत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, तो साहिब सही बुखारी भी इसको कत्ल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही में ले रहे हैं, और वो भी इस उनवान से कि अगर कई लोग मिलके कत्ल करें। अब आपके सामने इसी रिवायत को बहुत वाज़े आपके सामने रख देते हैं ताकि बात भी क्लियर हो जाए कि दियत के बाब में और असल मौजू क्या है, तो वो भी आपके सामने है, अगर कई आदमी एक शख्स को कत्ल करें तो क्या किसास में सबको कत्ल किया जाएगा, असल मौजू यह है। तो यहां में सवाल पैदा होता है कि इमाम बुखारी इस दवा देने के मामले को कत्ल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों समझ रहे हैं? उनके फहम की जब इतनी बात की जाती है तो यहां भी समझना होगा कि चार जगह उन्होंने इसको नकल किया है कि जिनमें से पहले वाला मौजू मौरद और जगह के गजवात में जंग किया और दूसरा ये वाला, दोनों अहम है और इनसे इन दोनों चीजों से वाकई की अहमियत का अंदाजा होता है कि जंग का जमाना था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साजिश के तहत जहर दिया गया, और इससे भी उनका फहम पता चलता है कई लोगों ने मिलकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर दिया। वरना समझ में नहीं आता कि दवा को, चले अगर ये खुद जहर लिखते तो समझ में आता किसास में क्यों लाएं, लेकिन ये दवा लिखकर किसास में ला रहे हैं, तो उनका भी फहम यह है कि ये दवा नहीं थी, दवा के नाम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद किया गया और कत्ल किया गया, यही वजह है कि आपने बाब बनाया अगर कई आदमी एक शख्स को कत्ल कर दें तो क्या किसास में सबको कत्ल किया जाएगा। यहां पर तो बाब बनाना चाहिए था कि अगर कई आदमी एक शख्स को मिलकर दवा पिलाएं, यह होना चाहिए था बाब। अब आपके सामने है सही मुस्लिम कि जिल नंबर 5 और सफा नंबर है 363 और हदीस नंबर है 5761। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह में दवा डाली आपकी बीमारी में, आपने इशारे से फरमाया मेरे मुंह में दवा मत डालो, हम लोगों ने आपस में कहा कि, अब हम लोग, यहां पर अगले डिस्कशन आएगा हम लोग कौन थे, हम लोगों ने आपस में कहा कि आप बीमारी की वजह से दवा से नफरत करते हैं तो इस पर अमल करना जरूरी नहीं, यानी आपकी बात मानना जरूरी नहीं। जब आपको होश आया तो आपने फरमाया तुम सबके मुंह में दवा डाली जावे,
सबा अब्बास के कि वो यहां मौजूद न थे। यह सजा दी आपने इन लोगों को जिन्होंने आपका हुक्म न माना। अब अगर इसको बरादरान अहले सुन्नत दवा के उनवान से ले रहे हैं तो वो और बुरा फंस जाएंगे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया फिर भी दवा डाली गई और उसके बाद भी उन लोगों पर एतमाद नहीं था, खुसूसन हजरत आयशा पे, तो कहा कि सबके मुंह में दवा डाली जाए। यानी आप इन लोगों पर शक कर रहे थे और इन लोगों से कहा था मेरे मुंह में कोई चीज दाखिल न करना, और जब दाखिल की तो वाजे ये फरमा रहे हैं ये सजा आपने इन लोगों को जिन्होंने आपका हुक्म ना माना, यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजा दी, इन पर शक कर रहे थे। अब ये जो जुमला है कि इनको दवा पिलाई, असल में ऐसा हुआ नहीं, ये मुजरिम अपने जराइम को छुपाने के लिए कह रहे हैं कि वो दवा तो हमने भी पी थी। तो जैसे हम पहले इसको कर चुके कि इस रिवायत को इस सूरत में नहीं लेना है, इस रिवायत को लेना है कि जराइम करने वाले अपने आप को बचाने के लिए मुख्तलिफ बातें करते हैं और यहां से पकड़ा जाता है मुजरिम। यही वाला मौजू है तारीख इब्ने कसीर में जिल्द नंबर 5 में, और यहां हम बताते चलें कि एनन यही रिवायत है कि जो इस तारीख इब्ने कसीर में भी नकल हुई। मेन हमने हेडिंग लगा दी है तो आप इशारा करने लगे मुझे दवा ना दो, और उसके बाद क्या है कि आपने फरमाया घर के तमाम आदमियों को सिवाय हजरत अब्बास के दवा दी जाए। ये पूरी हदीस है, खास चीजें हमने इसमें खाली हाईलाइट कर दी हैं। अब है आपके सामने उर्दू कंजुल उम्माल। ये जो इमाम बुखारी ने सबसे पहले इसको नकल किया गजवात में, तो इसकी वजह क्या है, तो कंजुल उम्माल आपके सामने है। कंजुल उम्माल में जिल्द नंबर 5 और हिस्सा नंबर 9 और 10, उर्दू तर्जुमा आपके सामने मौजूद है, 30265 इसका नंबर है। और यहां पर यह मौजू डिस्कस हो रहा है सरिय उसामा रजी अल्लाह अन्हों में कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सब को मदीने से भेजा बाहर की जानेब और ताकीद की कि सब यहां से निकलें, और साथ ही लानत भी भेजी, वान अल्लाहु मन तखल्लफ जैश अल उसामा। अब यहां पर जो हमने हाईलाइट किया है रसूल अल्लाह के बीमार होने की खबर पहुंच गई थी, ये लोग निकले हैं तो बीमार होने की खबर पहुंची है। अब जो दूसरी चीज हमने हाईलाइट की है, इसको आप लोग पॉज करके खुद तफसील से पढ़ें कि बाद में रसूल अल्लाह कहां गए, उठकर हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के घर में तशरीफ ले गए। अब ये कहा जाता है कि आखिरी अय्याम में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा के घर में थे, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि बार बार अखबार बदले जा रहे हैं कि किसके घर में थे। तो फिर हम अर्ज करें किसके घर में थे, किसके मशवरे से दवा पिलाई, किन के ऊपर लोगों ने शक किया, किन के नाम लोगों ने लिए, और फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से कुछ लोगों के नाम लिए, जिससे वाज़े पता चल रहा है कि किसी को फंसाना चाह रहे हैं। और साथ ही यहां पर हाईलाइट किया हमने कुछ लोग हजरत उसामा रजी अल्लाह अन्हा की अनहों की इमारत पर इनके लड़के होने की वजह से ताना करने लगे। रसूल अल्लाह को जब खबर पहुंची तो आप मिंबर पर तशरीफ ले गए और लोगों को जमा करके इनसे खिताब फरमाया, तुम में से कुछ लोग उसामा की इमारत पर ताना देते हो जबकि लोग कबल अजी इनके वालिद जैद की इमारत पर भी ताना दे चुके हैं। तो पता चला कि आखिर वक्त में भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत नहीं की जा रही थी, उनके हुक्म की मुखालफत की जा रही थी। अब आपके सामने इसी का है कि आपने अपने दस्ते अकदस पर परचम को ग्रहें लगाई, बिल्कुल आप सही सालिम थे, आपने ग्रहें लगाई। बस ये जहर का वाकया जो है इन अय्याम में हुआ। अब इस पे लोगों ने मुखालफत की कि जनाब उसामा को क्यों बना दिया है फौज का कमांडर, और यहां से पता चलता है कि वही अफराद जो सुलह हुदैबिया में भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत कर रहे थे, काफी तादाद में असहाब थे, इसी तरह से जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलम दवात मांगा उस वक्त भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की, एनन यही तौहीन इस वक्त भी हुई कि कुछ लोग थे कि जो हजरत उसामा की क़यादत को मानने के लिए तैयार नहीं थे। मामला हजरत उसामा का नहीं है, मामला यह है कि यह हुक्म रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत हो रही थी, जबकि महाजरीन, अब यहां से देखा जा सकता है कि महाजरीन जो हैं वो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, और इन्हीं में जो आगे आगे थे अब्बास इब्ने इब्ने रबिया थे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने सुनकर पुरजोर तरदीद की और रसूल अल्लाह के पास आकर शिकायत की, इस पर रसूल अल्लाह को सख्त गुस्सा आया, आप बीमारी की हालत में ही घर से बाहर तशरीफ लाए, आपके सर मुबारक पर पट्टी बंधी हुई थी और ऊपर चादर ओढ़े हुई थी,
फिर मिंबर पर तशरीफ ले गए, अल्लाह ताला की हमदो सना की, फिर फरमाया अम्मा बाद ए लोगों, कुछ चेमे गोलियां सुन रहा हूं जो उसामा को अमीर मुकर्रर करने पर की जा रही हैं। अगर तुमने उसामा को अमीर मुकर्रर करने पर ताने दिए हैं तो कबल अज़ी तुम लोग इनके बाप को अमीर मुकर्रर करने पर भी ताने दे चुके थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े टोका कि तुम लोग पहले भी मेरी मुखालफत कर चुके हो, और अलबत्ता ये मुखालफतें होती रहती थी। ये जो एक सिनेरियो बना दिया गया है कि बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तमाम असहाब बहुत ही मुती और फरमा बरदार हो गए, तो ऐसा नहीं है। यही हम कहते हैं कि बाज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुती और फरमा बरदार थे उनकी ज़िंदगी में भी, और उस वक्त भी उनकी ज़िंदगी में मुखालिफ थे, और बाज़ उनके बाद भी मुती और फरमा बरदार थे कि उनके कदमों की खाक पर हमारी जानें कुर्बान हो जाएं। अब यहाँ पर जो अहम बात है वो अगली लाइन में हमने हाईलाइट कर दी। इसी दिन लोगों ने आपको लदूद एक दवा पिलाया था। इसी दिन लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ग़ज़बनाक किया और इसी दिन ये पिलाई गई दवा, और उसके बाद आपकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि सर पे पट्टी बांधना पड़ी। तो यहाँ से वाज़े हुआ कि इमाम बुखारी ने इसे बाब ग़ज़वा में क्यों दाखिल किया है। अब आपके सामने है तबक़ातुल कुबरा। तबक़ातुल कुबरा में फ़लम्मा अस्बहा यौमुल ख़मीस, तो यहाँ पर बात हो रही है कि ये जुमेरात की बात है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो परचम अपने हाथ से बांधा। वलम यबका अहदुन मिन वुजूहिल महाजिरीन अल अव्वलीन वल अंसार, कोई भी नहीं बचा। इन सब को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाने के लिए कहा। किन किन को कहा? अबू बकर सिद्दीक, उमर इब्न खत्ताब, अबू उबैदा जर्रा, वसाद इब्न अबी वक़ास, व सईद बिन ज़ैद, व क़तादा बिन नुमान, व सलमा बिन असलम, व हरीश। अब यहां पर पता चला फतकल्लम क़ौमुन क़ालू इस्तअमिलु हाज़ल ग़ुलाम अला अल-महाजिरीन अल-अव्वलीन फ़ग़ज़ब रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़बनाक हुए, और फिर यह कि अगला है कि उनके सर पर पट्टी हुई बंदी हुई थी। ज़ालिक यौम अस-सब्त, तो बाज़ जगह बयान हुआ कि यह हफ्ते के दिन हुआ, और आपने फरमाया अनफुज़ू बअसल उसामा, सब के सब निकल जाओ उसामा के साथ मदीने से। फलम्मा काना यौमुल अहद इश्तद्दा बिरसूलिल्लाह, और उसके बाद क्या है? वहुवा यौमुल लज़ी लद्दूहु फीहि, यह वो दिन था कि जब कुछ लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़बरदस्ती दवा पिलाई। तो यानी बड़ा एक ख़तरनाक ज़माना चल रहा था, जंग का ज़माना था। कौसरुल मानी में इसी मौजू को डिस्कस किया गया, और सफ़ा नंबर है 415 और जिल्द नंबर है 8। ये रिवायत नकल हुई जनाब आयशा से, और यहाँ पर अब हम सिर्फ इतना बयान करेंगे कि वो फरमाती हैं फलदद ना हो, हमने पिलाई। فلما افاق قال هذا من فعل نساء جئنا من هنا واشار الى الحبشه। अब याद रखें कि हबशा की जानिब जो खवातीन गईं थी उनमें से एक थी जनाब हजरत अस्मा बिनत उमैस। तो यहां केस में जनाब हजरत अस्मा बिनत उमैस को घसीटा जा रहा है, कभी जनाब हजरत उम्मे सलमा को घसीटा जा रहा है। अलबत्ता इन जाने वालों में हजरत उम्मे हबीबा भी थी और उनके शौहर ईसाई हो गए थे, उनका यहां पर जिक्र नहीं है। और बाज एक दो इस वक्त के रोशन फिक्र हत्ता सऊदी अरब के कुछ अफराद ने इस्तदलाल किया है कि मुमकिन है कि बनू उमैया ने हज़रत उम्मे हबीबा के ज़रिए से, और वो इसमें शामिल ना हो, कुछ पिलवाया हो, लिहाजा इन रवायात में उनका जिक्र नहीं आ रहा। तो यहाँ पर क्या है कि नस्बत दी जा रही है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब कि आपने फरमाया कि ये मुझे पिलाई होगी उन लोगों उन खवातीन ने कि जो हबशा से आई हैं, यानी ज़बरदस्ती हबशा से आने वाली खवातीन के ऊपर इस जुर्म को डाला जा रहा है, ये प्लानिंग का एक हिस्सा है। अब उसके बाद क्या है कि हजरत आयशा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबको पिलाया जाए। वल्लाहु ला यबका अहदुन फिल बैत इल्ला लुद्दा वलददना मैमूना वहिया साइमा वफिस सही इल्ला अब्बास, के हत्ता जनाब मैमूना को जबरदस्ती पिलाया गया जबकि वो रोजे के आलम में थी। तो यहां पर क्या बताया जा रहा है कि हमने सबको पिलाया था, हमने भी पिया था, दूसरों को भी पिलाया था। अब उसके बाद जो दूसरी रिवायत है बिल्कुल नीचे बीच में है वसानी, तो उस मौजू को हम डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि अगला मौजू यह आएगा कि क्या खैबर में किसी ने पिलाया था या अबहरी मुनक़ता हुई थी। तो अबहरी में मुनक़ता नहीं हुई, खैबर में भी नहीं पिलाया क्योंकि वो काफी पहले का वक्त था, किसी और वक्त पिलाया गया, उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। अब यहां पर रिवायत नकल हो रही है बेसनाद सही अन अस्मा बिनत उमैस
वो क्या कह रही हैं, काना फी बैत मैमूना। अब सारी दुनिया में तो शोर यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर अय्याम में और वफात तक हजरत आयशा के घर में थे, यहां पर कहा जा रहा है यह वाला काम जो है ना वो मैमूना के घर में हुआ है। वहां पर जनाब मैमूना को कहा जा रहा है, उनको भी दवा पिलाई गई। अब जनाब मैमूना कौन है, हजरत अब्बास की ज़ौजा की बहन है। अब यहां पर इनको एक फंसाने का काम हो रहा है। तो यहां पे कहा जा रहा है कि ये काम हुआ जनाब मैमूना के घर में, लेकिन किसके मशवरे से हुआ, फतशा वरना फी लद्दही, हम खवातीन ने मिलके जो है वो मशवरे से ये काम किया। बाद में अगर आप देखें जो हमने नीले से हाईलाइट किया है, वो फी सीरत अबी माशर फी बैत ज़ैनब बिनत जहश। अब यहां पर मामला बदल गया कि नहीं, ये तो ज़ैनब बिनत जहश के घर में हुआ है, हजरत आयशा के घर में हुआ, जनाब मैमूना के घर में हुआ, अब बात हो रही है जनाब हजरत ज़ैनब बिनत जहश के घर में हुआ। लेकिन यहां पर भी मसला हल नहीं हुआ। फिर उसके बाद कहा जा रहा है फी सीरत सलमान तमीमी फी बैत रहाना, कि ये जनाब रहाना बिनत ज़ैद के, कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ज़ौजा थी और इनके बारे में डिस्कशन है और वो यहूदी खानदान से थी, कहा जा रहा है ये रेहाना के घर में हुआ। तो कितने अखवाल हो गए। अब यहां पे कहा जा रहा है कि ज़कर अल खत्ताबी अन्ना उत्तदा यौम अल इस्नैन वकील सब, कुछ कह रहे हैं पीर के दिन ये सब कुछ शुरू हुआ, कुछ कह रहे हैं हफ्ते के दिन हुआ, और हाकिम कह रहे हैं कि यह सब कुछ जो है वो बुध के दिन हुआ। अब आपके सामने है जामुल कबीर और जिल नंबर है 3, और यहां पर हम देखते हैं कि यही वाला मामला जो है जनाब अब्बास से नकल हो रहा है, अन इब्ने अब्बास। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, फलमश्तका रसूलुल्लाह लद्दहू असहाबहू, कि ये जो दवा पिलाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब ने पिलाई। अब यह मामला बदल गया, यह हजरत अब्बास से नकल हो रही है। فلما فرغ قال لدوهم, और जब ये दवा पिलाकर फारिग हो चुके तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनको पिलाओ, हम इन मर्दों को पिलाओ। किसने पिलाई थी, इन मर्दों ने पिलाई थी। मुख्तलिफ अकवाल नकल हो रहे हैं ये एक वाक़े को छुपाने के लिए। अब यहां पर है फतहुल बारी बिशरह सही बुखारी, तो यहां पर हम देखते हैं कि ये रिवायत नकल हो रही है मोहम्मद इब्ने सईद से अन मोहम्मद इब्ने सबा, और उसके बाद जो आ रहा है मौजू वो ये आ रहा है लदद ना हो, हम लोगों ने उनको पिलाई। अभी हम लोग कौन है, यानी सब ये हजरत आयशा का बीच में जिक्र है, वो और दीगर लोग मिलके। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ संभली हालत तो फरमाया हावा मिन फ़िल नसाइन जैना मिन हुना अशारा इला हफ्शा, कि फिर यहां पर अब जुर्म को डाला जा रहा है जनाब हजरत असमा बिनत उमैस के ऊपर। फिर उसके बाद क्या है कि सबको दवा पिलाई गई और हजरत आयशा भी फरमाती हैं फिर वल्लाही ला यबका अहदुन फिल बैत इल्ला लुद्दा फमा बकी अहदुन फिल बैत इल्ला लुद्दा वलददना मैमूना वहिया साइमा, कि वो रोजे के आलम में थी, उनको भी जबरदस्ती दवा पिला दी गई। मुस्नद अहमद इब्ने हंबल में जिल नंबर 41 में यही रिवायत जनाब आयशा से नकल हो रही है, और यहां पर भी वही आ रहा है फलदद ना हो, लेकिन यहां पर मामला आ रहा है फराए तो हम यलुद्दूना हम रजुलन रजुलन, यानी कुछ मर्द थे जो एक एक मर्द को दवा पिला रहे थे। अब यहां पर क्या है कि अक्सर तो निकल चुके हैं पर ये मर्द कौन है, फिर जब बात हो रही है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैश उसामा में सबको निकलने के लिए कहा तो ये मर्द कौन है, तो पहले तो आ गया रजुलन रजुलन, फिर उसके बाद आ रहा है कि नौबत आई अजवाज नबी तक फलोदना इमरातन इमरातन, तो फिर दवा पिलाई गई एक एक खातून को हत्ता बलगा लुदूदो इमरातन मिन्ना, यहां तक के अब दवा पिलाने की बारी हमारी एक खातून तक आई, हजरत आयशा ने नाम नहीं लिया। अब इब्ने अभी जनात कहते हैं ला अलमुहा इल्ला मैमूना, ये जो खातून पर नौबत आई ये मैमूना थी। वकाला बाज़ुन्नास उम्मे सलमा, ये उम्मे सलमा थी, और ये जो खातून थी उन्होंने कहा इन्नी वल्लाही
साइमतुन, खुदा की कसम में रोजे में हूं। फकुलना, अभी हजरत आयशा फरमाती हैं, कुलना, हम लोगों ने कहा, क्या कहा, बैसा ना जनंती, तुम्हारी बड़ी गलत फहमी है, अन्नतरुका की, कि हम तुम्हें छोड़ देंगे। यानी यहां पर ऐसा जाहिर किया जा रहा है कि जनाब मैमूना जो है वो बचना चाह रही थी रोजे की आड़ में, तो जनाब आयशा ने कहा कि ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलत फहमी है कि हम तुम्हें छोड़ देंगे। कद अक्सम रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह ने कसम खाई है, फलददनाहा वल्लाही यबना उख्ती, हजरत आयशा कहती हैं कि ए मेरे भांजे, मैंने, हम लोगों ने जबरदस्ती उनको, हमने उनको भी दवा पिलाई, व इन्नहा लसाइमतुन, और वो रोजे के आलम में थी। इसनादुहु हसनुन, मुस्तदरक के अल सहीहैन में यही वाला मौजू है और यहां पर भी है, लदद ना हो, और हजरत आयशा से नकल हुई, यलुद्दूनहुम रजुलन रजुलन, मर्द मर्द को दवा पिलाई, फलुदेदना इमरातुन इमरातुन, एक एक औरत को दवा पिलाई, और उसके बाद वही है, सिर्फ हदीस की आपको वो बताना है। हाजा हदीसुन सहीहुल इस्नाद, ये सहीहुल इस्नाद है। बहरुल मुईत में ये वाला मौजू नकल हुआ और यहां पर भी यही आया, फलदद ना हो, हम लोगों ने पिलाया, और यह हजरत आयशा ही से नकल हुई। तो यहां पर भी हावा मिन फिअल निसाइन जेना मिन हुना अशारा इला हबशा, कि ये काम किया है उन खवातीन ने कि जो हबशा से आई हैं। अब यह नस्बत दी जा रही है किसकी जानिब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी यहां पे कहा जा रहा है कि यह हुआ तो था लेकिन रसूलुल्लाह ने खुद ही फरमाया था कि यह हबशा से आने वाली खवातीन ने, बाद में नाम लिया जा रहा है जनाब अस्मा बिनत उमैस का। वमिन तरीक अबी बकर बिन अब्दुर्रहमान अन्न उम्म सलमा व अस्मा बिनत उमैस अशारत बिअन यलुद्दुहु, कि यहां पर मौजू बदल गया, कि वहां पर यह था लदद ना हो और तशावरना, कि कुछ मर्दों ने पिलाई, ये कहती हैं हम सब ने आपस में खवातीन ने अजवाज ने मशवरा किया, यहां पर जो है मामला बदल गया कि ये किसके हुक्म पर हुआ, इशारा किया था इस दवा पिलाने का उम्मे सलमा ने और अस्मा बिनते उमैस ने। वरवाहु अब्दुर्रज़्ज़ाक बेसनाद सही अन अस्मा बिनते उमैस कालत, अब ये यहां से हो गया जनाब अस्मा बिनते उमैस से, फलम्मा फाका काल हाजा फ़िअल निसाइन जेना मिन हुना अशारा इला हबशा व कानत अस्मा मिन हुन्ना, के अस्मा बिनत उमैस भी इन्हीं लोगों में से थी, यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो दवा पिलाई है ये उन औरतों ने पिलाई है कि जो हबशा से आई हैं। बस यहां पर भी वाक़े को बदला जा रहा है। फतुल बारी बशरह सहील बुखारी और जिल्द नंबर 9 और सफा नंबर है 615, और यहां पर भी यही वाली रवायत है कि जो पहले हम बयान कर चुके, मिन तरीक़े अबी बकर बिन अब्दुर्रहमान अन्ना उम्म सलमा व अस्मा बिनत उमैस अशारत बिअन यलद्दुहु, कि जनाब हजरत उम्म सलमा और जनाब हजरत अस्मा बिनत उमैस ने इशारा किया, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दवा पिलाई जाए। फतहुल मुनइम शरह सही मुस्लिम जिल्द नंबर 7 और सफा नंबर है 586, तो यहां पर फिर और एक नया मौजू आ रहा है। फलम्मा अफाका, फिर उसके बाद ला यबका अहदुन मिनकुम इल्ला लुद्दा, कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई भी नहीं बचे जिसके मुंह में दवा ना डाली जाए। तो यहां पर कहते हैं वक़द जाअत रवायात तअय्यना बअज़ मन कुन्ना फिल बैत, कि बाज रवायात आई हैं जिससे पता चलता है घर में कौन कौन था। तो उसमें पहला मौजू तो यही आ गया कि फिर इशारा फरमाया हबशा से आने वालियों की जानब, अन्ना उम्मा सलमा व अस्मा बिनत उमैस अशारत बिअन यलद्दुहु, ये चीज़ हम बयान कर चुके। लेकिन जो अगला मौजू है वो फिर खतरनाक हो जाता है, गैर अल अब्बास, तो बाद में वो कहते हैं लम यकुन मौजूदन साअत अल लुदूद, कि वो उस वक्त वहां पर नहीं मौजूद थे, ये वाली बात पहले भी कही गई। लेकिन फिर हम देखते हैं उमदतुल क़ारी शरह सहील बुखारी जिल्द नंबर 8 में, वहां पर क्या हम देखते हैं, अन्नल अब्बास हुवल आमिल बिल्लद, कि दवा का हुक्म देने वाले तो अब्बास ही थे। यहां फिर हम देखते हैं कि मामला और ज्यादा बदल गया, वहां कहा जा रहा है जनाब अब्बास नहीं थे, यहां पे कहा जा रहा है दवा पिलाने वाले यही थे।
अब मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा आपके सामने है, जिल्द नंबर 5 है और सफ़ा नंबर 428 और 429 है, और यहाँ पर अखबरानी अबू बकर इब्ने अब्दुर्रहमान बिन हारिस, और ये वही वाला मौजू है, लेकिन यहाँ पर मौजू आ जाता है वह तशावरा निसाउहू फी लद्दही, कि ख्वातीन ने आपस में मशवरा किया। और अब आपके सामने मुसनद अहमद इब्ने हंबल जिल नंबर 45 और सफ़ा नंबर है 460, और यहाँ पर यही रिवायत नकल हुई जनाब अस्मा बिनत उमैस से, और जो किसने पिलाया किसके जरिए से हुआ, तशावरा निसाउहू फी लद्दही फलद्दूहो, कि ख्वातीन ने मशवरा किया और लद्दू हो, कुछ मर्दों ने ये दवा पिलाई। अब उसके बाद फलम्मा फाख़ काला महाजा, वहां पर ये मौजू चल रहा था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये पिलाई होगी हफ्शा से आने वाली ख्वातीन ने, यहां पर मामला बदल गया। फाख़ काला हावा महाजा, ये क्या है, उलना, हमने कहा हावा फेलो निसाइन जेना मिनहा होना, ये काम किया है उन ख्वातीन ने जो वहां से आई हैं, अशारा इला अर्ज़िल हबशा, के जो हबशा से आई हैं, वकानत अस्मा बिनत उमैस फी हिन्ना, यानी अस्मा बिनत उमैस और साथ में कुछ और ख्वातीन थी, इन लोगों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूछने पे कहा कि इन लोगों ने पिलाई है, ये जो वहां से आई हैं, इन लोगों ने पिलाई है, ये जो वहां से आई हैं। अब है आपके सामने मौजबुल कबीर और इसके जिल्द नंबर है 24 और हदीस नंबर है 374, और यहां पर भी हम देखते हैं कि जनाब अस्मा बिनते उमैस से है, और जनाब अस्मा बिनते उमैस ही की जानिब इशारा किया जा रहा है कि जो हफ्शा से ख्वातीन आई हैं उन्होंने पिला दी। अब आपके सामने कंजुल उम्माल है और हदीस नंबर है 18840। अस्मा बिनत उमैस रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि पहली मर्तबा आप मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा के घर में बीमार हुए, आपके मर्ज़ की शिद्दत हो गई, आप बेहोश हो गए, आपकी बीवियों ने आपके बारे में मशवरा किया और आपके मुंह में दवा टपका दी, फिर आप होश में आ गए, आपने पूछा ये क्या है, क्या इन औरतों का काम है जो वहां से आई हैं, हफ्शा की तरफ इशारा करते हुए इनमें अस्मा बिनत उमैस भी थी। करीब मौजूद लोगों ने कहा कि या रसूल अल्लाह, हम समझते थे कि आपको जातुल जन, इसलिए हमने दवा आपके मुंह में टपका दी। हुजूर ने फरमाया ये मुंह में दवा टपकाने वाली दवा, अल्लाह पाक मुझे इसके साथ अजाब देने वाला नहीं है, लिहाजा इसकी सजा में यहां मौजूद सब लोगों को ये दवा मुंह में टपका कर पिलाई जाए सिवाय रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास के, बस सबको दवा पिलाई गई, हत्ता के मैमूना जो इस दिन रोज़ेदार थी उन्होंने भी पी रसूल अल्लाह की अजीमत व खुशी में। नीचे मौजू है मुनाफिकों ने उसामा के मुतालिक एतराजात शुरू किए। अब आपके सामने है कंजुल उम्माल और इसमें भी जनाब अस्मा बिनते उमैस वाली असल रिवायत मदन के साथ मौजूद है। अब आपके सामने है तबकातुल कुबरा जिल नंबर 2 और सफ़ा नंबर है 181, और यहाँ पर क्या है, वन निसाओ यल दुद ना हो, कि ख़वातीन ने यानी अज़वाज रसूल ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दवा पिलाई और बाद में फिर ख़वातीन ने एक दूसरे को दवा पिलाई। अब आपके सामने है तबकातुल कुबरा जिल नंबर 2 और यहाँ पर जो रिवायत है सफ़ा नंबर 182 में, और यह नकल हुई जनाब हज़रत इबन अब्बास से, और वो फरमाते हैं लद्दू हो यानी कुछ मर्दों ने आपको ये दवा पिलाई। उसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये क्या है, तो फिर दोबारा बाद में हज़रत अस्मा बिनत उमैस का जिक्र है, फिर बाद में आपने फरमाया कि सबको दवा पिलाई जाएगी, और वहाँ पर था कि ख्वातीन ने ख्वातीन को पिलाई, तो यहाँ पर आया कि फजाला बाज़ुहुम यलद्दु बाज़न, के एक ने दूसरे को दवा पिलाई। मुसनद अहमद इब्ने हंबल जिल्द नंबर 3 और सफ़ा नंबर है 303 और हदीस नंबर है 1784, और ये जनाब हज़रत अब्बास से नकल हुई, तो वहाँ पर तो तफसील बयान हो रही थी कि कौन कौन था और क्या क्या था, लेकिन यहाँ पर हज़रत अब्बास फरमाते हैं दखल तो अला रसूल अल्लाह व इंदहू निसाउहू, के उनके पास उनकी अजवाज थी, फस्ततरना मिन्नी इल्ला मैमूना, सब ने अपने मुँह छुपा लिए सिवाय मैमूना के, यानी अब वो कौन ख़वातीन थी
वो हज़रत अब्बास को भी नहीं मालूम आया वो सबकी सबज़वाज थी या उनके अलावा थी। तो यहाँ से इस तरह से इस मौजू को कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया। तो यहाँ पर फिर बताते चलें कि इन सारी रिवायात को देखा जाए तो पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ पिलाया गया, और ये वाली रिवायत सिर्फ बुखारी में नहीं है और सिर्फ हज़रत आयशा से नहीं है। किन किन के मशवरे से हुई, किस किस ने पिलाया, किन किन को पिलाया गया, किन किन की जानिब शक किया लोगों ने, किन किन के नामों को ज़बरदस्ती लाया गया और किन किन के नामों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से मशहूर किया गया, तो यहाँ से पता चलता है कुछ ना कुछ तो हुआ। अब बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं कि अहले बैत अलैहिस्सलाम कहाँ थे, तो ज़ाहिर है कि किसी वक्त मुनासिब समझ के कुछ मुँह में डाल दिया गया और जब ये बात एक दो लोगों से आगे निकलने का इम्कान था तो इसको इस तरह से किया गया कि हाँ हमने मुँह में डाला तो था, ये भी मौजूद था, ये भी मौजूद थी, रसूलुल्लाह ने ये फरमाया था, ये फरमाया था, और हम सबके मुँह में भी इस दवा को डाल दिया था ताकि ये बताया जाए कि कुछ भी नहीं हुआ था। दुआ है कि खुदावंद तबारक व तआला हम सबको अपने अपने रसूल, अपनी हुज्जतों, खुसूसन इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की मारफत और इताअत की तौफीक अता फरमाए। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन।